चलिए दोस्तों, तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग की। हमने पीछे बात किया, ऑल दो हमने उसके अंदर बात करते वक्त कुछ कुछ इसकी खूबियां और खामियां देख ली है कि अगर जो अकाउंटिंग हमारी सिंगल एंट्री सिस्टम से चल रही है तो उसके अंदर क्या दिक्कतें होती हैं, और उन दिक्कतों को दूर करने के लिए हम किस पे आ जाते हैं, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर। एक चीज यहां पे आपको क्लियर रखनी है अपने दिमाग में कि अगर आपसे पूछा जा रहा है एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, या फिर आपसे पूछा जा रहा है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, बोथ आर सेम। मतलब कि इन जनरल कॉमन पार्लेंस के अंदर कहा जाता है कि अगर अकाउंटिंग शब्द है देन इट शुड बी डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, अदरवाइज सिंगल एंट्री होगा तो वो चीख चीख के खुद बताना पड़ेगा आपको। मतलब कि अगर आप किसी भी पढ़े लिखे इंसान से बोलते हैं कि भाई साहब हम अकाउंटिंग करते हैं, दैट सिंपली मींस कि आप कौन सी अकाउंटिंग करते हैं, आप करते हैं डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। और अगर आप सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग करते हैं तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, आपको चीख चीख के बात बतानी पड़ेगी कि आपकी जो अकाउंटिंग है वो सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है। ठीक है, तो बोथ आर सेम। नाउ इस 11th कक्षा तक आते आते आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर आपसे पूछा जाए मेरिट्स बताओ या फिर पूछा जाए एडवांटेजेस बताओ, ये भी दोनों सेम ही होते हैं, आपको उसकी खूबियां ही बतानी है यहां पे। ठीक है सर, चलिए। तो यहां पे चार खूबियों को लिस्ट डाउन किया गया है, ऑल दो मैं कुछ खूबियां आपको इसके अंदर और लिखवाऊंगा। इसका पर्पस ये नहीं है, क्योंकि कभी भी सवाल आपका ऐसा नहीं आएगा कि बताइए छह एडवांटेजेस बताइए आप डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के, ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, थ्योरी का क्वेश्चन आपका इतने बड़े सेगमेंट में नहीं आता है। जनरली इसके अंदर से कोई छोटा मोटा क्वेश्चन आ सकता है, कोई फिलअप्स में आ सकता है, कोई एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकता है, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं कि फाइनेंशियल रिजल्ट क्या इसके एडवांटेजेस हैं कि नहीं है, फाइनेंशियल पोजीशन से बता पाता है अच्छे से क्या ये इसके एडवांटेजेस हैं कि नहीं है, इस टाइप से आपके अलग पैटर्न पे क्वेश्चन बन सकते हैं। बट कभी भी आपको लंबे आंसर्स लिखने नहीं पड़ेंगे अपने एग्जाम्स के अंदर। फिर हम क्यों इस चार के अलावा और पॉइंट लिखेंगे, ताकि आपको मोटे तौर पे और भी पॉइंट्स पता हो। ऑल दो जब आप अपने दिमाग में एडवांटेजेस के हिसाब से अकाउंटिंग की खूबियों को समझने लगेंगे, बेसिकली जब आगे के चैप्टर्स भी आप कर जाएंगे तो आपको एक ओवरऑल होलिस्टिक व्यू मिल जाएगा कि अकाउंटिंग क्या क्या चीजें सर्व करता है, क्या क्या खूबियां हैं इस अकाउंटिंग की, और फिर उसको किसी भी तरीके से आपके क्वेश्चन में प्लॉट किया जाए, आप इजिली समझ जाएंगे कि वो उसकी एडवांटेजेस की बात कर रहा है या किसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ज्यादा आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्चुअली आपको समझ जाना है कि इसमें बात क्या हो रही है। चलिए सर, तो पहला पॉइंट है इसके अंदर क्या, इट हेल्प्स टू कीप अ कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। जैसा कि हमने पीछे देखा था कि जो आपकी अकाउंटिंग होगी अगर डबल एंट्री से होगी तो वो क्या होगी, कंप्लीट होगी और सिस्टमेटिक होगी। कंप्लीट और सिस्टमेटिक का मतलब क्या है, मैंने आपको पीछे ये बात समझाई थी कि सिंगल एंट्री के अंदर हम क्या करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ बनाते हैं कौन सा अकाउंट, हम बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ कैश अकाउंट। जब आप कैश अकाउंट बनाते हो और इसी के अंदर आप अपने एक्सपेंसेस भी लिखते हो, आप अपने कार परचेज की वो भी मेंशन करते हो, आपने कोई बिल्डिंग परचेज की वो भी मेंशन करते हो, तो आपका एक सिस्टम डेवलप नहीं हो पाता। आपको अगर कभी सिर्फ और सिर्फ एसेट्स देखना है, किसका आपको एसेट देखना है, बिल्डिंग अकाउंट, आपको जानना है कि टोटल कितनी बिल्डिंग्स आपके पास, तो आपको कैश अकाउंट से ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ेगा। पर अगर आपने डबल एंट्री सिस्टम फॉलो किया तो उस केस में आपने क्या किया होगा, कैश अकाउंट भी बनाया है और साथ में बिल्डिंग अकाउंट भी बनाया है, तो बिल्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको कैश अकाउंट में जाने की जरूरत नहीं है, आप बिल्डिंग अकाउंट से उसको इवेल्युएट कर सकते हो, ऑब्टेन कर सकते हो इन्फॉर्मेशन। आपको कोई पर्टिकुलर एक्सपेंस जानना है, आपको सैलरी जाननी है कि सैलरी कितनी है, तो आपको कैश अकाउंट की हेल्प लेने की जरूरत नहीं है, आप सैलरी अकाउंट में जाकर चेक करेंगे और आपको सारी सैलरीज दिख जाएंगी डेट वाइज मंथ वाइज। ठीक है, तो ये इसकी खूबियां होती है। डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंट आपको एक सिस्टमेटिक वे देता है, क्यों, क्योंकि यहां पे वो हर किसी का एक सेपरेट अकाउंट आपको ओपन करने के लिए कहता है, ये नहीं कहता कि किसी भी एक अकाउंट में प्लस माइनस करके अपना काम चला लो, ऐसी बात करने से ये मना करता है। ये कहता है कि कोई भी अकाउंट होगा उसका डुअल इंपैक्ट दिखाना है, एक जगह नेगेटिव होगा एक जगह पॉजिटिव होगा, दोनों जगह पॉजिटिव भी हो सकता है दोनों जगह नेगेटिव भी हो सकता है, बट इन एनी केस इट शुड बी डुअल इंपैक्टेड। उसका इम्पैक्ट जो होगा वो दो तरफा होगा, जिसमें हम एक को बोलते हैं कि वो डेबिट होगा, एक को बोलते हैं क्या होगा, क्रेडिट होगा। इस टर्म पे अभी आपको गहराई में उतरने की आवश्यकता नहीं है, इसको हम आने वाले समय में समझ लेंगे कि ये क्या बताता है, क्या डेबिट और क्या क्रेडिट। चलिए सर, तो पहली बात समझ में आती है। दूसरा,
कि यहाँ पे आपकी एक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी के ऊपर चेक बना रहता है सर। वो कैसे बना रहता है, तो आप एक चीज देखिए कि आपने कैश अकाउंट से सपोज कीजिए आपने एक बिल्डिंग परचेज किया और आपने कैश में से माइनस कर दिया कितना 5 लाख रुपया। अब लेट से आपको जो माइनस करना था वो करना था 50 लाख रुपये, बट एक जीरो गलती से कम हो गया, आपने सिर्फ 5 लाख रुपये माइनस किया है, तो क्या ऑटोमेटिकली आपको पता लग पाएगा कि ये सही है कि गलत है? नहीं। बट अगर आप डबल एंट्री में काम करेंगे तो आपको देखना क्या है कि आपको कैश अकाउंट से 5 लाख रुपए माइनस भी करने थे, और सपोज कीजिए आपने बिल्डिंग अकाउंट में सही वाला 50 लाख रुपए जोड़ दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है डुअल इंपैक्ट है, ये आपस में मैच नहीं करेगा। एक जगह 5 लाख आ रहा है, एक जगह 50 लाख आ रहा है, तो बिकॉज ऑफ डुअल इंपैक्ट आपकी एंट्री दो जगह हो रही है, तो अगर एक जगह भी ठीक होगी तो आपको ये मिसमैच दिखा देगा और आपकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी यहां से थोड़ी सी मजबूत हो जाती है। अब आप ये कह सकते हैं कि सर अगर दोनों जगह 5 लाख लिख दिया फिर क्या होगा, फिर तो कुछ नहीं हो सकता, फिर कुछ भी नहीं हो सकता, बट कंपैरेटिवली एक जगह गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। हम कहें कि दोनों जगह गलती हो गए, ऐसे चांसेस कम हो जाते हैं, तो इस वजह से ये आपको कंपैरेटिवली ज्यादा अर्थमेटिकल एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है क्या, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एज कंपेयर टू सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है सर, बट इसी में आप देखेंगे जब हम डिसएडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस की बात करेंगे तब आप देखेंगे ये चीज कि ओमिशन हो तो बेचारा अकाउंटिंग क्या कर ले, मतलब कि आपने दोनों जगह ही 5 लाख एंटर किया, या सपोज करो कोई ट्रांजैक्शन एंटर ही नहीं किया तो उस केस में काय बात की एक्यूरेसी, तो उस केस में तो हमारा अकाउंटिंग कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है, पार्शियल एरर्स वगैरह हैं कुछ। आप देखते हैं कई बार ऐसा होता है कि 7859 को आप लिख देते हैं 7589, ठीक है, आंखों का धोखा, ये पॉसिबल है, ह्यूमन एरर है, ऐसा हो सकता है। तो अगर आपने कहीं एक जगह ऐसा लिख दिया और कहीं एक जगह ऐसा लिखा है तो इस टाइप की गलतियां भी पकड़ में आ जाती हैं, इस टाइप की गलतियां भी पकड़ में आ जाती है। कहां पे? डबल एंट्री, क्योंकि यहां पे भी डुअल इंपैक्ट हो रहा है, ये अमाउंट अगर कहीं डेबिट कर रहे होंगे तो हम ये अमाउंट कहीं ना कहीं क्रेडिट कर रहे होंगे, तो एक जगह पर अगर हमने सही किया होगा तो ये मिसमैच के रूप में आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा और आपको ये पता लग जाएगा कि आप कहां पर और क्या गलती कर रहे हैं। ठीक है सर, चलिए उसके बाद हमने एक टर्म देखा था क्या, कि हमारा डबल एंट्री हो या सिंगल एंट्री हो, बेसिकली हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए दो चीज़ें, फाइनेंशियल रिजल्ट्स और फाइनेंशियल पोजीशंस। आपको मैंने पीछे बताया था कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स का मतलब क्या होता है, कि ये बता दे कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है कि वो मोटा मोटा आपकी बैलेंस शीट बता दे। बैलेंस शीट को आप ऐसे समझ सकते हैं फिलहाल, क्यों, क्योंकि अभी आपको बहुत डीप नहीं पता कि बैलेंस शीट का एक्चुअल में मतलब क्या है, तो अगर एक लेमन लैंग्वेज में समझना चाहे तो इसका मतलब यह है कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। पोजीशन दो टाइप की हो सकती है, या तो वो वीक होगी या तो वो स्ट्रांग होगी, और इसका बीच में मीडियम भी हो सकता है। तो फाइनेंशियल पोजीशन आपकी कब स्ट्रांग मानी जाएगी, जब आपकी अपनी संपत्ति जो है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू आपके जो दायित्व होते हैं, मतलब आपकी जो उधारी है वो कम है, जो आपकी लाइबिलिटी है वो कम है और आपकी जो एसेट्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो इसको आप कह सकते हो कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है। और इसी का उल्टा कर दें कि एसेट्स बहुत कम है, ज़्यादा सर ज़्यादा का ज़्यादा हमारे पास उधारी है, हमारा अपना पैसा बिजनेस में कम लगा हुआ है, हमने लोन्स वगैरह बहुत ज़्यादा ले रखे हैं, उसके ऊपर हमें बहुत सारा ब्याज पे करना पड़ता है, तो इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन हमारी क्या है, कंपैरेटिवली वीक है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है आपका, जिसके अंदर आप डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग करते हैं, वो आपको आपके फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी बताता है, मतलब कि आपका प्रॉफिट है या लॉस है ये भी आइडेंटिफाई करके बताता है, और साथ ही में आपके फाइनेंशियल पोजिशंस को भी सही से एस्टिमेट करके आपके सामने रखने में मदद करता है। ठीक है सर, तो ये चीजें हम देख चुके थे, दीज आर दी फ्यू एडवांटेजेस या फिर कह सकते हो मेरिट्स ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग। नाउ इसके अलावा अगर आप कुछ मेरिट्स और लिखना चाहें तो क्या हो सकते हैं, तो चलिए जी कुछ मेरिट्स हैं, आप अपना कलम और पेन उठाएं और लिखना शुरू करें। कुछ मेरिट्स आपको मैं यहाँ पे लिखवाने जा रहा हूँ, ये लिखवाने का पर्पस ये है कि आप टर्मिनोलॉजी से रूबरू रहें, आपको चीजें पता होनी चाहिए। तो आप कह सकते हैं क्या कि जो आपका ये अकाउंटिंग है, इसकी हम बात किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस के अंदर आप कह सकते हैं कि 4 पॉइंट आपने ले लिया था, 5th पॉइंट आप लिख सकते हैं अपने कंटिन्यू करते हुए कि ये कंपैरेटिव स्टडी प्रोवाइड करता है, मतलब कि ये इनेबल करता है कि आप क्या कर सकें, आप कर सकें कंपैरेटिव स्टडी। सर ये क्या है कंपैरेटिव स्टडी का मतलब क्या है, जो हमने पीछे देखा था कि हमारी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती है अकाउंटिंग की, क्या कि वो कंपेरेबल होना चाहिए। कंपेरेबल कब होगा, जब आप
दो साल के डाटा को, सपोज करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, इन दो साल के डाटा को आपस में कंपेयर कर पाओ। कंपेयर कब कर पाओगे? जब आपने प्रॉपर अकाउंटिंग की होगी। अगर आपने अकाउंटिंग की है दैट मीन्स कि आपने अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग रूल्स यहाँ पे फॉलो किए होंगे, और जब आपने यूनिफॉर्मिटी के साथ अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो की है तो ऑब्वियस ही बात है जो करंट ईयर के ट्रांजेक्शन होंगे उसको ईजिली आप कंपेयर कर पाओगे प्रीवियस ईयर के ट्रांजेक्शन से। बट जहाँ पे कोई पॉलिसी ही नहीं लगेगी, अगर सिंगल एंट्री की बात करें, कोई सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ही नहीं होगा, कोई सिस्टमेटिक वे ही नहीं होगा काम करने का, वहां पे आप कंपैरेटिव वगैरह भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है सर, इसके अलावा और क्या मदद करता है? और मदद क्या करता है, ये आपको हेल्प करता है टैक्स असेसमेंट करने में भी। जो आपकी टैक्स असेसमेंट है, टैक्स लाइबिलिटी है, वो भी असेस कर पाता है करने में आपकी आवश्यकता है। तो ये हेल्पफुल है, हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। मतलब कि सर हमें टैक्स निकालना है तो उसकी लाइबिलिटी कैसे असेस होगी, तो उसमें भी आपका अकाउंटिंग बहुत बड़ा रोल अदा करता है। आपने अकाउंटिंग की हुई है, आपको पता है कि आपका टोटल सेल्स जो है वो 1 लाख रुपए का है, ये आपको अलग से पता है। इसके अंदर आपने जीएसटी जोड़ा हुआ है 18%, वो आपको अलग से पता है 18%। टोटल फिगर आपकी 1,18,000 रुपये आ गई, आपको अलग से पता है। तो इस टाइप से आप अकाउंटिंग करके चलेंगे तो इससे आपको फायदा क्या होगा कि आपको एक अकाउंट ओपन करना है, कौन सा? जीएसटी अकाउंट। जैसा कि आपको मैंने पीछे बताया कि डबल एंट्री के अंदर हम हर एक का सेपरेट अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो अगर आपने सेपरेट अकाउंट मेंटेन कर रखा होगा, उसके अंदर ट्रांजेक्शन सही जारी होगी, तो जो आप जीएसटी अकाउंट खोलेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी कितनी है। अदरवाइज क्या दिक्कत आती कि जब आप कैश अकाउंट के अंदर ही सारा काम करके चल रहे हो तो उसके अंदर आपको एक एक करके प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करके आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या आपकी टैक्स लाइबिलिटी है। बट अगर आपने सेपरेट अकाउंट खोला होगा तो जब आप एंट्री दिखाएंगे तो एंट्री में आप बोलेंगे कि आपके पास सामान कितने का आया, 1 लाख रुपए का, टैक्स कितना गया, 18,000 रुपए, और टोटल कितना हो गया आपका, 1,18,000 रुपए। इस तरीके से अगर आपने 100 ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड की होंगी, 100 ट्रांजेक्शन भी रिकॉर्ड की होंगी, तो भी जब आप जीएसटी अकाउंट खोलेंगे तो इसके अंदर 100 के 100 आइटम दिख जाएंगे और उसका टोटल वहां पे आपको पता लग जाएगा एक सिंपल क्लिक से, या फिर एक सिंपल लेजर को खोलते हुए, एक सिंपल अकाउंट को खोलते हुए। तो ये उसमें आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है। उसके बाद जैसे कि आपको मैंने बताया था पीछे कि जो आपका डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है वो फॉलो करने के लिए आपको लॉ भी कहता है, लॉ भी आपको फोर्स करता है। अगर लॉ की बात माने तो वो भी क्या कहता है कि सिंगल फॉलो करो कि डबल फॉलो करो, तो लॉ बोलता है भाई साहब आपको डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करनी है। बैंक्स वगैरह भी क्या होते हैं, आपके डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ज़्यादा उसको ऑथेंटिकेट अकाउंटिंग समझते हैं। ठीक है सर, तो इसका मतलब क्या है कि ये अगर कोई दिक्कत आए, अगर कोई लॉफुली कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई लीगल मैटर फंस जाए, तो ये एविडेंस के रूप में भी काम करता है, एविडेंस इन लीगल मैटर्स। अगर कोई लीगल मैटर फंस गया और आपको कहा जाता है बताओ आपकी सेल गलत दिखाई हुई है, या आपने किसी का लॉस गलत बुक किया हुआ, या किसी का बैड डेट बुक किया हुआ, या कुछ भी ऐसी हरकत जिसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड होना चाहिए, तो अगर फाइनेंशियल रिकॉर्ड आप कोर्ट में ले जाके या कहीं पे भी जहां पे भी डिस्प्यूट है वहां पे ले जाके अगर आप अपने स्टेटमेंट्स को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पेश करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो वो एक एविडेंस के रूप में भी काम आता है, क्योंकि वो आपका रिलायबल है, उसका प्रॉपर ऑडिट वगैरह हुआ हुआ है, वो प्रॉपर एक यूनिफॉर्मिटी से मेंटेन्ड है, प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह उसके अंदर लगाई गई है, तो वो एक एविडेंस के रूप में भी काम करता है। ठीक है सर, अगर आपको सपोज कीजिए अपने बिजनेस को चलता हुआ बिजनेस है 10 साल पुराना, इस 10 साल पुराने बिजनेस को अगर आपको बेचना हो तो बेचने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इस बिजनेस की वैल्यू क्या है। अब बिजनेस की वैल्यू कैसे पता लगेगी अगर आपने अकाउंटिंग नहीं कर रखी होगी, तो इसलिए अगर आप अकाउंटिंग करते हैं तो वो क्या करता है, वो फैसिलिटेट्स करता है कब, इन सेल ऑफ बिजनेस। अगर आपको पूरा अपना बिजनेस ही सेल करना है तो इस बिजनेस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और वैल्यू मतलब क्या हो गया, फाइनेंशियल पोजिशन आपकी, तो वो कब बता पाएंगे, जब आपने अकाउंटिंग कर रखी होगी। तो ये भी एक अलग अकाउंटिंग एडवांटेजेस है। इसके अलावा अगर आपको लोन लेना है तो हमने बार बार देखा है कि लोन लेने के लिए बैंक क्या बोलता है, भाई साहब अपनी अकाउंटिंग दिखाओ, तो रेजिंग बैंक लोन्स में भी क्या होता है, आपकी अकाउंटिंग हेल्प करती है, और उस केस में भी वो किसको मांगते हैं, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग को, तो उसमें भी आपकी ये मदद करता है। अगर हम बात करें पार्टनरशिप अकाउंटिंग की, तो ऑब्वियस ही बात है पार्टनरशिप में तो आपको ट्रस्ट डेवलप करना है, और डेवलप कब होगा, जब एक ऐसा खाता बना हो जिस पर दोनों लोग भरोसा कर सकें, तो उस केस में भी ये हेल्पफुल होता है, हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंटिंग। पार्टनरशिप के केस में अकाउंटिंग करनी है तो उस केस में आप डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करेंगे तो वो आपका हेल्पफुल होता है। तो दीज आर दी फ्यू एडवांटेजेस इन एडिशन जो आपके पास बुक्स में गिवन है, उसके अलावा मैंने कुछ एडवांटेजेस आपको और लिखवा दिए। चलिए सर, ये बात आपको समझ में आ गई, आपने इसको नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं,
बात करते हैं डिसएडवांटेजेस। देखो कभी भी डिसएडवांटेजेस आपको नहीं कहना है, इसको आपको कहना है लिमिटेशंस। क्यों? क्योंकि सर डिसएडवांटेजेस नाम की चीज नहीं होती है। कमियां तो देखो हर किसी के अंदर है, हम ईश्वर के अंदर ढूंढते हैं तो कमियां मिल जाती है। ये तो बेचारी क्या है, एक डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है। तो इसलिए डिसएडवांटेजेस इज नॉट अ एप्रोप्रिएट वर्ड, आपको इसकी जगह पर क्या लिखना है, लिमिटेशंस। क्यों? क्योंकि लिमिटेशंस हर किसी की होती है, एक दायरा होता है हर किसी की अच्छाई का, उस दायरे के बाद उसकी बुराइयां शुरू हो जाती हैं, ठीक है सर। चलिए तो इसका मतलब ये, यहाँ पे लिमिटेशंस के अंदर हम क्या बात करेंगे, हम जबरदस्ती की कुछ ऐसी दिक्कतें बताएंगे जो कि ह्यूमन इंटरवेंशन से होती है, इसमें अकाउंटिंग का बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है, बट अकाउंटिंग परफॉर्म आपका ह्यूमन कर रहा है तो इसलिए ह्यूमन इंटरवेंशन भी आपकी अकाउंटिंग की ही लिमिटेशंस में आ जाती है। इसलिए हम लिमिटेशंस बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट है। अकाउंटिंग का अपना एक दायरा है, अकाउंटिंग ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया, लेकिन इसको चलाएगा कौन, इसको चलाएगा इंसान ही। तो अगर इंसान में ही झोल है, इंसान ही नलायक है, तो अकाउंटिंग कितनी भी अच्छी हो उससे क्या फायदा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला क्या आ रहा है, दिस फेल्स टू असर्टेन एक्चुअल प्रॉफिट। कब? इफ देर इज एरर्स ऑफ प्रिंसिपल इन द रिकॉर्ड। मतलब कि जो प्रिंसिपल है वही आपने गलत से अप्लाई किए हैं। जितने भी हम प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे आगे चल के, जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, आपने उसको गलत तरीके से अप्लाई अगर किया, उसके अंदर ही कोई एरर है, तो ऑब्वियस ही बात है जो आपकी प्रॉफिट असर्टेन होगी वो सही नहीं होगी। ये कह रहा है प्रॉफिट तो असर्टेन करेगा, लेकिन शर्त क्या होती है कि आपको वहां पे जो प्रिंसिपल्स हैं वो बिल्कुल सही से डिप्लॉय करने पड़ेंगे, अच्छे से अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आपने वो गलत तरीके से किया है तो ऑब्वियस ही बात है कि जो आपका प्रॉफिट होगा वो एक्चुअल प्रॉफिट नहीं निकल पाएगा, उसमें आपका अकाउंटिंग हेल्प नहीं कर पाएगा। उसके बाद अगर आपने कोई भूल चूक कर दी, कोई चीजें छूट गई, फॉर एग्जाम्पल कि आपको आपके मालिक ने कहा, एक बुक कीपिंग कर रहा है एक बच्चा, उस बुक कीपिंग करने वाले बच्चे को कहा कि ये लो भाई फाइल, और इस फाइल को आपको रिकॉर्ड करना है। फाइल के अंदर क्या थे सर? फाइल के अंदर थे 100 वाउचर्स, मतलब 100 इनवॉइसेस थे, कुछ सेल के थे, कुछ परचेज के थे। ये बच्चा बैठा उसको एंट्री करने, साथ ही में वहां पंखा चल रहा था, पता लगा इसमें से 2 वाउचर जो है वो उसके टेबल के नीचे चला गया, उसको पता भी नहीं लगा। 100 वाउचर्स थे, उसने उसको लेके एंट्री किए जा रहा था, उसमें से 98 तो एंटर हो गए, 2 वाउचर्स ऐसे हैं जो कि टेबल के नीचे दुबक गए, उड़ गए, गुम गए, कुछ भी हो गया, फाइल के नीचे दबा रह गया, एनी रीजन। अगर इस टाइप का कोई ओमिशन हो जाएगा तो उस केस में जो आपकी अकाउंटिंग हुई है क्या वो बिल्कुल करेक्ट है? नहीं। क्या अकाउंटिंग से जो रिजल्ट्स पता लगेंगे क्या वो सही होंगे? नहीं। क्या वो जो पोजीशंस डिस्क्लोज करेगा क्या वो सही होगा? नहीं। तो अगेन, अगर कोई भी ह्यूमन मिस्टेक है, कोई भी मिस्टेक अगर कमिट की जाती है, कब? जब आप जनरल एंट्री पास कर रहे हो। जनरल एंट्री पास करने का मतलब आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो, या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन वगैरह आपसे छूट जाती हैं, तो उस केस में वो डिस्क्लोज नहीं हो पाएगा इस सिस्टम के अंदर, और उसके अंदर जो आपके आउटकम होंगे, मतलब जो पोजीशन और रिजल्ट्स होंगे, फाइनेंशियल पोजीशन और जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिस्क्लोज हो रहा होगा, वो ऑब्वियसली बात है ट्रू एंड फेयर नहीं होगा। दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन। बट ठीक है, लिमिटेशन किसकी मानी जाएगी? अकाउंटिंग की। भैया अकाउंटिंग इतना ताकतवर नहीं है कि इंसान की गलतियों को ठीक कर पाए। एंड नेक्स्ट आता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड एंड मिसअप्रोप्रिएशन इन द सिस्टम। अब इसको आपको बहुत अच्छे समझना पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट है अकाउंट्स के अंदर जिसको हम कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। सर ये क्या होता है, आइए इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। विंडो ड्रेसिंग क्या होती है? विंडो ड्रेसिंग का मतलब है कि खिड़की को आपको पहनाने हैं क्या कपड़े, क्या यही मतलब है? नहीं जी, ये मतलब नहीं है। कपड़े तो पहनाने हैं पर खिड़की को नहीं। विंडो ड्रेसिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना। सर इसको कैसे समझे? इसको आप ऐसे समझिए कि आपने एक अपना फाइनेंशियल पोजीशन तैयार किया। आपने क्या तैयार किया? एक फाइनेंशियल पोजीशन तैयार किया, और फाइनेंशियल पोजीशन जब तैयार हो गया तो आपने इसको प्रेजेंट किया। किसने? अकाउंटेंट ने। किसको प्रेजेंट किया? ऑनर को, जो भी बिजनेस का ऑनर था। अब बिजनेस के ऑनर को ये कहाँ लेके जाना था? इसको बैंक में लेके जाना था। इसको कहाँ लेके जाना था? बैंक में ले जाके सबमिट करना था, और बैंक इसके बदले उसको क्या देता? लोन देता। कितने का? 100 करोड़ रुपए का। लेट से 100 करोड़ रुपए का उसको बैंक से लोन लेना है, उसलिए उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करवाए हैं आपसे, और उसमें जो फाइनेंशियल पोजीशन आ रही है वो आपने सबमिट कर दिया ऑनर को, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखने के बाद ऑनर ने कहा कि भाई साहब 100 करोड़ छोड़ो, इस पे तो बैंक हमें 1 करोड़ का भी लोन नहीं देगा। तो अब ऑनर के दिमाग में क्या आया, इसकी बुद्धि में क्या जागा? इसने कहा क्यों ना हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सजाएं, क्यों ना हम इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को थोड़ा सा और निखारें, इसकी ड्रेसिंग करते हैं, इसको बहुत चमकाते हैं, और चमकाने के बाद बैंक को प्रेजेंट करेंगे ताकि हमें लोन मिल पाए। अब इसके लिए वो क्या क्या कर सकता है? इसमें वो बहुत टाइप की मिसअप्रोप्रिएशन कर सकता है, क्योंकि ऑल आर डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन, ठीक है। किस टाइप की सर? तो सपोज कीजिए उसके बुक्स में एसेट्स थे कितने के? 5 करोड़ रुपए के। उसने इसको बना दिया कितने का? 50 करोड़ का। कैसे बना दिया सर? 45 करोड़ के फर्जी बिल इकट्ठे किए, आपको दे दिया, आपने देखा भाई बिल है, आपने एंटर कर दिया।
अब आपको तो बिल चाहिए, आपके पास अगर सपोर्टिंग वाउचर होगा तो आपने कहा भाई साहब बिल है, बात खत्म हो जाती है। अब ऑनर ने फर्जी बिल लेके आया था ये आपको नहीं पता, या इनके साहब को पता भी है तो आप भी ऑनर से मिल गए हो, आपके तो ठीक है भाई साहब कुछ बड़ा कारनामा करते हैं, जैसे कि सत्यम स्कैम। ठीक है, तो आपने कहा सर कुछ स्कैम करेंगे, जिस टाइप से स्कैम मार्केट में चल रहे हैं हम भी स्कैम करते हैं, बैंक से बहुत सारा पैसा उठाएंगे और गोली हो जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप की अगर कोई प्रैक्टिस करना चाहेगा तो क्या कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। किसी की बुक्स में जो सेल्स थे, जो बुक्स में उसके सेल्स दिख रहे थे, वो सेल्स दिख रहे थे 100 करोड़ रुपए के, उसने कहा यार 100 करोड़ से 100 करोड़ का लोन नहीं मिलेगा, इसको 1000 करोड़ करते हैं। उसने 1000 करोड़ के लिए क्या किया, और बहुत सारे बिल विल इधर उधर से कटवा दिए, फर्जी बिल, और आपके सामने लाके रख दिया। आपने कहा भैया इसको रिकॉर्ड कर दो, आपने रिकॉर्ड कर दिया। तो इस टाइप की चीजें की जा सकती हैं। परचेजेस ज्यादा थे, परचेजेस को कम कर दिया। एक चीज आपको समझना पड़ेगा, खर्चे कम करोगे तो स्टेटमेंट अच्छा दिखता है, और इनकम बढ़ाओगे तो स्टेटमेंट अच्छा दिखता है, सेल बढ़ाओगे तो उससे अच्छा अच्छा दिखाई देगा। परचेज को कम करना पड़ेगा ताकि खर्चे कम, परचेज कम, तो उसके इसमें आपका प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा, और प्रॉफिट बढ़ेगा तो बैंक आपको लोन देगी। बैंक कहेगी भैया बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया है इन लोगों ने। तो कहने का मतलब होलसेल में क्या है कि विंडो ड्रेसिंग मीन्स वॉट, ये 1 मार्क्स के आपके क्वेश्चन में आ सकता है, आप देखेंगे एग्जाम में आया हुआ भी है। तो इसका बेसिकली सिंपल सा मतलब क्या है कि मिस अप्रोप्रिएशन करना, फ्रॉड करना इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स टू प्रेजेंट इन अ बेटर वे, टू प्रेजेंट इन अ बेटर वे टू इट्स यूजर्स। अब यूजर्स बैंक हो सकता है, यूजर्स कोई भी हो सकता है, उसको अपने पर्पस के लिए, ऑनर अपने पर्पस के लिए अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ड्रेसिंग कर रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चमका रहा है, उसके अंदर क्या कर रहा है, मिस अप्रोप्रिएशन कर रहा है, तो इस टाइप की एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है अकाउंटिंग के अंदर? बिल्कुल पॉसिबल भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है। तो अगर ऐसी चीजें की जा रही है तो क्या उसको अकाउंटिंग रोक पाएगा? उसको नहीं रोक पाएगा। तो दिस इज अगेन द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है जी, तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं आपकी जो कि अकाउंटिंग में आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक आध चीजें आपको मैं एडिशन, जैसे कि मैंने आपको एडवांटेजेस में लिखवाए थे, तो आपको मैं लिमिटेशंस में भी लिखवा देता हूं। चलिए जी, आइए इस 3 पॉइंट के आगे बढ़ेंगे और लिखना शुरू करेंगे। 4th पॉइंट आपका क्या हो सकता है, और क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं? तो इसके अंदर एक लिमिटेशन ये कही जाती है, क्या नोट करें, लिमिटेशंस 3 हमने देख लिए हैं, 4th की बात कर रहे हैं। एक लिमिटेशंस और क्या कही जाती है कि ये जो हमारी अकाउंटिंग है ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये बेस्ड है ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। सर ये क्या होता है, ये समझ नहीं आया। ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड है, इसका मतलब क्या है, इसको जरा समझाओ। तो देखो जी, इसको समझते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या है, लेट से आप एक बिल्डिंग परचेज करते हैं, आप क्या करते हैं, एक बिल्डिंग परचेज करते हैं, और बिल्डिंग जो आपने परचेज की, वो परचेज की मान लेते हैं 1/4/2025 में। ठीक है सर, ये बिल्डिंग हमने खरीदी थी 10 करोड़ रुपए की। तो आपने परचेज की एंट्री करी और आपके बुक्स में बिल्डिंग दिखाने लग गया कितने का, 10 करोड़ रुपए का, क्योंकि आपने खरीदा कितने का था, 10 करोड़ रुपए का। लेट से 6 मंथ आफ्टर, 6 महीने के बाद इस बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो मार्केट में हो जाती है 15 करोड़ रुपए। कितनी होगी मार्केट में, 15 करोड़ रुपए हो गई। आपके बुक्स में अभी भी बिल्डिंग कितने का दिखाई देगा, 10 करोड़ रुपए का। क्या आप इसको 15 करोड़ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने जो परचेज किया था वो कितने का परचेज किया था, 10 करोड़ का ही परचेज किया था। तो आपके बुक्स में भी कितना दिखाई देगा, ये 10 करोड़ का ही दिखाई देगा। मार्केट में ये 15 करोड़ हो जाए चाहे 5 करोड़ हो जाए। तो इसलिए ये एक लिमिटेशन बताई जाती है कि जो हमारी अकाउंटिंग है वो किसके ऊपर बेस्ड है, हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर। जो भी उसके पास कॉस्ट बुक्ड हो गई एक बार, वो उसी कॉस्ट को कैरी करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। मार्केट में वो बढ़ रही है या घट रही है, इससे उसको फर्क नहीं पड़ता। तो दिस इज अगेन द लिमिटेशंस ऑफ लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, विच इज कॉल्ड कि अकाउंटिंग इज ऑलवेज बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है सर, ये बात समझ में आती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको वैल्यू करने का और नजरिया होता है, बहुत सारे और तरीके होते हैं, बट बेसिक ऑफ अकाउंटिंग आपको यही कहता है कि आप इस 10 करोड़ को 10 करोड़ ही रखेंगे, 15 करोड़ नहीं कर सकते। एडवांस लेवल पर आप जब सीखते हो तो कुछ एक प्रोविजंस हैं ऐसे जिससे इसको रिवैल्यू किया जा सकता है, बट फिलहाल बेसिक्स में आपको ये समझना है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड है, विच इज वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। नाउ एक अगला एक और पॉइंट आता है जो कि जबरदस्ती का ही है, ऑल्दो जिसमें हम कहते हैं कि जो हमारा अकाउंटिंग है वो सुटेबल नहीं है। किसके लिए सर? अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। मतलब कि अगर आपको भविष्य देखना है तो अकाउंटिंग नहीं बता पाएगा, क्योंकि अकाउंटिंग तो आपको कह ही रहा है कि मैं कंपेयर करने के लिए आपको इनेबल कर दूंगा। कंपेयर का मतलब क्या है कि वो प्रेजेंट बता सकता है, वो क्या बता सकता है, पास्ट बता सकता है कि पीछे ये हुआ था, प्रेजेंट में ये है, इसको चाहो तो आप कंपेयर करना चाहो तो कंपेयर कर लो, ये फीचर आपको देता है। लेकिन अगर आप कहो कि भाई साहब फ्यूचर भी बता दो, तो क्या वो बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। अकाउंटिंग फ्यूचर नहीं बता पाता, ये आपको बेस दे पाता है,
बेस का मतलब क्या हुआ कि जब भी आपको फ्यूचर डिटरमाइन करना है तो ऑब्वियसली बात है आपको प्रेजेंट पता होना चाहिए, बिना प्रेजेंट के तो आप फ्यूचर वैसे ही डिटरमाइन नहीं कर पाओगे। तो प्रेजेंट आपको देता है, मतलब बेस दे देता है, लेकिन इसके ऊपर फोरकास्टिंग कैसे होगी, फ्यूचर का पता कैसे लगाया जाएगा, क्योंकि फ्यूचर का अनुमान करना है, कोई भविष्यवाणी करनी है तो कैसे की जाएगी, उसमें अकाउंटिंग आपकी हेल्प नहीं कर पाता है। ये सिर्फ और सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट में ही रह जाता है, फोरकास्टिंग का ये आपको बेस दे पाता है लेकिन एक्चुअल फोरकास्टिंग के लिए सुटेबल नहीं माना जाता। बहुत सिंपल है, बहुत प्रैक्टिकल सी चीज़ है भैया, जो आज घट गई उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, भविष्य क्या होगा उसके लिए अलग अलग और टूल्स हैं आपके स्टैटिस्टिक्स के, लेकिन अकाउंटिंग उसका पार्ट नहीं है। उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ता है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है स्टैटिस्टिक्स। ये आपको हेल्प करता है किसके अंदर, फोरकास्टिंग के अंदर, लेकिन अकाउंटिंग जो है वो आपका हेल्प नहीं करता फोरकास्टिंग के अंदर। ठीक है सर, तो दीज ऑल आर दी एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। ध्यान रखना आपको डिसएडवांटेजेस नहीं कहना है, दीज ऑल आर दी एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है सर, तो हमने मोर और लेस इसको अच्छे से कवर कर लिया, आपके कॉन्सेप्चुअली आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी कि क्या एडवांटेजेस हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, किस तरीके से इसको कन्वे किया जा रहा है, किस तरीके से कॉन्सेप्ट डेवलप किया जा रहा है। अब इससे दाएं बाएं करके क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, ऑल्दो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जैसे ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा हम बहुत से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा हम इसके वन मार्क्स वाले क्वेश्चंस देखेंगे, हम एमसीक्यूज देखेंगे, हम फिलअप्स देखेंगे, उसके बाद बड़े क्वेश्चंस देखेंगे, और आप पाओगे कि जितना आपने पढ़ा है उसके बेसिस पर आप ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हो बहुत अच्छे तरीके से। चलिए सर, तो दिस इज ऑल अबाउट एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर कंटिन्यू करेंगे, और मोस्ट प्रोबेबली मेरे ख्याल से अगले पार्ट के अंदर, अगले सेशन में आपका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो पूरा का पूरा रैप अप हो जाना चाहिए। चलिए जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद।